रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके ये बोला था कि आप चावल की खीर बनाएं। हम लोग चावल की खीर लेके आ गए हैं इन ए सिंपल एंड ईजिएस्ट वे। ओके, हम लोग को बस तीन चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। एक है राइस, चावल, दूध और बादाम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दूध ना एक पैकेट दूध लेने चाहिए, उसे अच्छे से बॉइल कर लेने चाहिए। आज हम लोग दूध उबाल रहे हैं, जब तक दूध उबल जाता है हम लोग बाकी के काम कर लेते हैं। ठीक है, चावल को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए एक बार से बॉईल लेकर, एंड देन वी विल कंटिन्यू द प्रोसेस। फिर सारा तीन मरतबा पानी में अच्छे से वॉश कर लीजिए। देन वी विल रोस्ट द राइस। ओके, अब हम लोग पैन में अच्छी तरीके से राइस को रोस्ट कर देंगे। अच्छी तरीके से रोस्ट कर लीजिए जब तक इसमें ब्राउन, थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए। ठीक है, इसे मिक्स करते रहिए। ठीक है, ताकि वो जल ना जाए, बस लाइटली थोड़ा सा स्पून आपको शेक करना होता है। 5 मिनट्स ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। देन हम लोग आलमंड भी, बादाम भी अच्छे तरीके से वॉश करके अच्छे से शेक, अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आज हमारा दूध हो चुका है, अब इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं। देखिए गाइस, आप देख सकते हैं ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो अच्छे से अभी थोड़ा भी रोस्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे ये जले ना, क्योंकि आप स्पून आपको हिलाते रहना है ताकि जल ना जाए। अच्छे से देखिए आपको, आप लो फ्लेम पे भी कर सकते हैं, अच्छे से रोस्ट कीजिए। हमारे चावल अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। ध्यान रहे आपको गरम गरम चावल प्लास्टिक के प्लेट में नहीं निकालना है, एक स्टील की प्लेट ले लीजिए एंड जस्ट हैव टू। अब हम लोग चावल को थोड़े ठंडे कर लेते हैं। आप फैन भी ऑन कर सकते हैं एंड नॉर्मल भी रख सकते हैं ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। बादाम को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे एंड इसको पीसेस में कट करके अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं एंड घी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है, अल्टरनेट यूज़ आप ऑयल करिए एंड इट विल बी ऑल्सो गिव ए गुड फ्लेवर। मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब हम लोग आलमंड डालेंगे अच्छे से, इसे धीमी आँच पर भून लेंगे। ताकि अच्छे से फ्लेवर दे सके। आपके पास अगर डेट्स, खजूर भी रहेंगे तो आप भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हल्के हाथों से भून लीजिए। इट टेक ओनली 5 मिनट। अच्छे से फ्राई कर लीजिए ताकि अच्छे से फ्लेवर आ सके। हमारे आलमंड अच्छे से भुने जा चुके हैं, हम लोग सर्व कर लेंगे ट्रे में। हम लोग आलमंड को अच्छे से ट्रे में सर्व कर लेंगे। और हमने कुछ आलमंड फ्राई नहीं किए ताकि ऊपर से गार्निश कर सके, ये हम लोग दूध में डायरेक्टली डाल देंगे। हम लोग बारी है चावल की। चावल को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लीजिए, तो इस तरीके से डाल दीजिए एंड इसे अच्छे तरीके से पीस लीजिए। हम लोगों ने चावल को अच्छे तरीके से बारीकली पीस लिया है। इस तरह हमने चावल को अच्छे तरीके से पीस लिया है। चावल को दूध में डाल दीजिए अच्छी तरीके से, अच्छे से मिक्स कीजिए चावल को, क्लम्स ना रहे।
अच्छे से मिलाइए। अब हम लोग शक्कर ऐड करेंगे इसमें। एंड मिक्स इट, अच्छे से मिलाते रहिए। तो कितनी प्यारी खीर बन गई हमारी। देखिए हमारी खीर अच्छे से पक चुकी है। अब हम लोग ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, बादाम। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स, किशमिश एंड काजू कुछ भी है, आप लोग सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं एंड इट इंक्रीज द टेस्ट, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। मेरे पास अल्टरनेट खजूर भी है एंड मैं खजूर भी डालूंगी। मैंने खीर को निकालिया कटोरे में। अब हम लोग 15 टू 20 मिनट्स के लिए अच्छे से रिफ्रिजरेट करेंगे ताकि खीर ठंडी हो जाए। देन हम लोग गार्निश करेंगे। आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स हमारी खीर रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह, अमेजिंग, कितनी प्यारी खीर निकली हमारी।